गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का हिंदी का बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 यानी कि अध्याय 1 जो एक कविता थी जिसका नाम था मेरा देश बड़ा गर्वीला। इसे हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़कर समझ लिया था और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने वर्ड मीनिंग भी इसका जो शब्दार्थ याद कर लिए होंगे। आज हम लोगों को इस चैप्टर का, इस अध्याय का प्रश्न उत्तर को कंप्लीट करना है, तो आइए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है कि कविता के अनुसार हरियाली के बीच सरसों है, ठीक है। अब कहता है ये सरसों है, तो सरसों कैसा है, पीले रंग का है ना। चलिए दूसरा प्रश्न है, झोपड़ी खड़ी है, आखिर झोपड़ी खड़ी है तो किस चीज से खड़ी है, घास फूस से। तीसरा, कमला के चरण पखारने वाला कमल यानी पुष्प होता है किस में, होता है कीचड़ में। कौन सा त्यौहार दीपों का मेला होता है, तो दिवाली हम जानते हैं कि दीपों का मेला होता है। चलते हैं अब दो नंबर प्रश्न की ओर, जिसमें एक तरफ शब्द और दूसरे तरफ उसका अर्थ दिया गया है। ओके, तो आइए मिलान करते हैं। अनूठे, अनूठे को कहते हैं विचित्र। तरु, तरु को कहते हैं पेड़। नीर, नीर कहते हैं घोंसला को। तांबुल, पान को कहा जाता है जिसका भी प्रयोग पूजा पाठ में देखें। अभाल कहते हैं मस्तक को यानी कि माथा को। आइए तीन नंबर प्रश्न, जो कि खाली स्थान है, ये कविता से लिया गया है। मेरा देश बड़ा डैश, आपने पढ़ा होगा इस अध्याय का पहले ही पंक्ति में लिखा हुआ मेरा देश बड़ा गर्वीला, इसमें होगा गर्वीला, ठीक है। ये कविता की पंक्तियां हैं। उसी प्रकार यमुना तीर, क्या लिखा है, यमुना तीर भींगे डैश की हरी चदरिया, यमुना तीर डैश गंगा के तीर्थ तीर्थ में बांट छाओ की, यमुना तीर घाट गंगा के, तो इसमें क्या हो जाएगा, घाट गंगा के। तो इन दोनों शब्दों को इसमें लिखने से ये कविता की लाइनें पंक्तियां पूरी हो जाती है, जिसे हमने कविता पढ़कर उसका इसमें लिखा है, ठीक है। हमें कविता याद थी इसलिए हमने लिख दिए हैं, आपको पहले कविता याद करना है फिर बाकी तीन लाइनों को भर लेना है। आते हैं हम प्रश्न उत्तर की ओर। इन प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए, ओके। तो इसमें जो कह रहा है कि कविता में जो है, कविता के अनुसार नीले नभ में बादल कैसे हैं, आपको याद होगा कि बादल कैसे हैं, तो बादल काले हैं। कवि ने जग की हरी चदरिया किसे कहा है, आपको याद होगा जग की हरी चदरिया धरती को कहा है। कंकर में किसका वास है, श्री हरि का वास है। कवि के अनुसार खंडहर में क्या सुरक्षित है, हमारा इतिहास सुरक्षित है। इन सारे प्रश्नों को हमने एक पेज पर लिख लिया है। इसके साथ ही हम प्रश्न संख्या 5 में देख रहे हैं, जिसका उत्तर 2 या 2 से अधिक वाक्य में देना है। तो उसके बाद जो है, तो इसमें 3 प्रश्न हैं, इन सारे को हमने क्या किया है, एक पेज पर अच्छे तरीके से लिख लिया है। तो आप क्या कीजिए कि इन सारे प्रश्नों का उत्तर जो है अच्छे तरीके से कॉपी में लिखकर फेयर कर लीजिए। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तो यहाँ हम देख रहे हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है, इन प्रश्न का उत्तर 3 या 4 वाक्य में लिखिए। दी गई पंक्तियां, प्रश्न क्या है, तो नीचे दी गई पंक्तियों का संदर्भ भावार्थ लिखिए, यानी कि 1, 2, 3, 4 चार पंक्तियां दी गई है और इनका हमें क्या लिखना है, भावार्थ लिखना है। तो ये कार्य भी हमने पूर्ण कर लिया है। इसके साथ बोध एवं विचार में 1, 2, 3 प्रश्न दिए गए हैं, इनका भी प्रश्न उत्तर हमने पहले से ही तैयार कर लिया है, ताकि ज्यादा समय ना लेते हुए आपका काम आसानी से हो जाए कम समय में। और चौथा है, कविता की इन गलत पंक्तियों को ठीक करके लिखिए। इससे पहले हम पहले इस प्रश्न संख्या 6 और बोध विचार का 1, 2, 3 प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो आइए सबसे पहले जो है हम देखते हैं क्या, ये है हमारा प्रश्न संख्या 6 का उत्तर जो हम देख रहे हैं। इन्हें हमें क्या करना है, अच्छे से लिख करके फेयर कर लेना है। ये है प्रश्न संख्या 6 का उत्तर। उसके बाद बोध विचार में 3 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहले का उत्तर यहाँ पर है। उसके बाद जो है बच रहा है 2 प्रश्न, तो 2 प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हमने लिख दिया है।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए अब देखते हैं कि बोध विचार के प्रश्न संख्या चार कह रहा है, कविता की इन गलत पंक्तियों को ठीक करके लिखिए, मेरा देश बड़ा हठीला। आपको याद होगा कि क्या लिखा था कि मेरा देश बड़ा गर्वीला, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पंक्ति को यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन हठीला के जगह पर लिखना है गर्वीला। ठीक है, क्या है आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर लिखा हुआ याद ही होगा, मेरा देश बड़ा गर्वीला। ठीक है, तो ये हमारा पंक्ति सही है, आपको जो यहाँ पर लिख लेना है हमारा देश बड़ा गर्वीला। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये पंक्ति सही हो जाएगा। आपको बाकी बचा हुआ एक दो और तीन, इन तीनों पंक्ति को जो है सो सही करके लिखना है। आते हैं भाषा ज्ञान की तरफ, गर्व में इला प्रत्यय जोड़कर गर्वीला शब्द बना है, गर्व में इला जोड़ देंगे तो गर्वीला बन जाएगा। तो नीचे प्रश्न दिए गए शब्दों में इला प्रत्यय जोड़कर शब्द लिखिए, सर्व में इला जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, शर्मीला। ठीक है, उस तरह चमक में जोड़ देंगे इला तो क्या हो जाएगा, चमकीला। बिल्कुल आप समझ रहे होंगे, चलते हैं बाकी बचा दो, ये दो प्रश्न आप बना लीजिए। इनके दो प्रश्न संख्या दो, इनके तुकारांत शब्द कविता से चुनकर लिखिए, तुकारांत मतलब जो पढ़ने में एक समान लगे, उसका अर्थ नहीं मिलेगा तब भी चलेगा, लेकिन उसका उच्चारण जैसे लगे कि एक समान है, जैसे गांव, छांव, छांव का तुकारांत शब्द हो जाएगा गांव। ठीक है, समझ में आया, गुजरिया का हो जाएगा चदरिया। इस तरह का शब्द जो है, मिलता जुलता शब्द हमें इस कविता में बहुत सारा दिखाई देगा, तो हमें इन सारे शब्दों को से मिलता जुलता शब्द जिसे तुकारांत शब्द कहते हैं चुन करके लिखना है। ठीक, ये आपका काम है, ये इतना आपको करना है। ठीक, आपकी सहायता के लिए हमने दो पहले से ही कर दिया है। और आखिरी प्रश्न है, दिए गए शब्दों के उचित समानार्थी शब्द पर चिन्ह लगाइए, यानी कि सही का टिक लगाना है। जैसे नव, नव किसे कहते हैं, आकाश को कहते हैं, नव मिस नया होता है, घन मिस जो होता है घना, मतलब सघन कहते हैं जो सटा सटा रहता है, लेकिन नव का होता है क्या चीज, आकाश, पर्यायवाची आकाश होता है, समानार्थी शब्द आकाश। उसी तरह गांव को का समानार्थी ग्राम होता है। ठीक, तो बच गया अब इधर के प्रश्न, आप लोग ये दो प्रश्न का उत्तर इसमें से चुन करके लिखिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या चार, रीति रसम ऋतु रंग रंगीली, इन पंक्तियों में र वर्ण की कई बार आवृत्ति हुई है, अतः अनुप्रास अलंकार है। ये र क्या है, अनुप्रास अलंकार है, जहां कोई वर्ण दो या दो से अधिक बार आता हुआ वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, कविता में से अनुप्रास अलंकार के दो उदाहरण ढूंढकर लिखिए। तो देखिए ये जो है साफ साफ को दिखा दिया है, तो इस तरह के शब्द जो जिसमें बार बार जो एक ही वर्ण बार बार दोहराते हुए नजर आएंगे उन्हें लिख देना है, ऐसे दो शब्द को जो बार बार दोहरा रहे हैं। ठीक, अब आते हैं रचनात्मक कार्य, कविता के अनुसार बदरिया क्या करती है। आप देख रहे हैं कि कविता के अनुसार बदरिया क्या करती है। आपको याद होगा कि कविता के अनुसार बदरिया, यहाँ पर क्या को काट करके यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखना है, तो जल बरसाती है, जल बरसाती है। ठीक है, जल बरसाती है। झोपड़ी किसने किससे बनी हुई है, आपको याद होगा झोपड़ी, अब किससे यहाँ पर लिखना है, तना सब याद है आपको, कि घास फूस जो होता है तो लिखेंगे घास फूस, यानी झोपड़ी घास फूस से बनी हुई है। ठीक है, जुगनू कहाँ चमक रहे हैं, आपको याद है कि जुगनू कहाँ को काट करके यहाँ पर लिख देंगे हम, पेड़, जुगनू ऐसे रहता भी है कहाँ पर, जंगल झाड़ में पेड़ पर रहता है, तो जुगनू पेड़ पर चमक रहे हैं। ओके, इतिहास कहाँ सुरक्षित है, आपको याद होगा कि इतिहास जो है सो खंडहरों में सुरक्षित है। ठीक है, इस तरह से हमारा लिखने का कार्य पूर्ण हो चुका है। और विचार करने वाली बात है पाठ से आगे, क्रियात्मक, गोपाल सिंह नेपाली या अन्य किसी एक कविता का संकलन कीजिए। गोपाल सिंह जो कविता कवि हैं, इनके गोपाल सिंह नेपाली जो कवि हैं, इनका कोई और कविता आपको अगर पता है तो उसको लिखिए, याद कीजिए। समूह कार्य, कक्षा में समूह बनाकर गीत कविता दो है पर आधारित अंतराक्षरी खेल खेलिए। ठीक है, कविता में समूह बना करके, ग्रुप बना करके गेम खेलना है, किस तरह का, जिसमें कविता हो, दोहा हो, गीत हो,
और अंतिम प्रश्न है चित्रात्मक अभ्यास कार्य। यहाँ कवियों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें पहचानिए और इनके नाम लिखिए। तो इन 1, 2, 3 कवि जिसमें से प्रसिद्ध कवि ये हैं, जिनका नाम आपको हरिवंश राय बच्चन है, आपको याद हो गया कि एक फिल्म में जो है काम करने वाले कलाकार जिनका नाम है अमिताभ बच्चन, उनके पिताजी हैं ये हरिवंश राय बच्चन। तो इस तरीके से जो है इन तीनों फोटो में जो है चित्र में जो दिए गए हैं, जिनका ये चित्र है उनका नाम लिखना है, ठीक है। परियोजना कार्य, गोपाल सिंह नेपाली जी ने हिंदी फिल्म के लिए गीत लिखे हैं, उनका संकलन कीजिए और उनमें से कोई एक गीत अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। इस सब में से कोई एक जो है गोपाल सिंह नेपाली जी हैं, जिन्होंने इस कविता को लिखा भी है और इन्होंने जो है फिल्मों के लिए भी गीत लिखा है, उस गीत को लिखना है अपने आंसर शीट में, अपने जो कॉपी है ना फेयर वाला कॉपी उसमें। तो आप लोग जो है आपको इन सारे जितने प्रश्न हम बताए हैं सबका फेयर कर लेना है, फेयर करने के बाद सारे प्रश्न को याद करना है अच्छे से, ताकि अब कुछ ही समय बाद जैसे ही स्कूल खुलेगी तो आपका परीक्षा जो है कुछ ही समय में फिर शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये भी उम्मीद रखते हैं कि आप लोग जो है फेयर बना रहे होंगे सारे किताबों का, जो पढ़ाई हो चुकी है, जिसकी पढ़ाई अभी चल भी रही है। तो आप बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, याद करते रहिए। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना कि आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।